एक पैन में हाफ कप शुगर डालें। वन टेबलस्पून जितना पानी डालें। इसको मिक्स करते रहें जब तक चीनी मेल्ट हो जाए। जब चीनी पानी में अच्छे से घुल जाए तो ऐड करें हाफ कप व्हिपिंग क्रीम। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम अवेलेबल हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। इसको मिक्स करते रहें और ये पूरे कैंडी बनाने के प्रोसेस में ज़्यादा काम मिक्सिंग का ही है। आपको कंटिन्यूसली मिक्सचर को मिक्स करना है। अब फिर से हाफ कप शुगर ऐड करें और साथ ही 1 टेबलस्पून हनी। थोड़ी देर में ही इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ा थिक होना और क्रीमी होना शुरू हो जाएगी। ऐड करें पिंच ऑफ सॉल्ट। बटर स्कॉच कैंडीज में सॉल्ट का फ्लेवर काफी अच्छा लगता है। अब ऐड करें 1/2 टेबलस्पून जितना अनसॉल्टेड बटर। अगर आपको मिक्सचर थोड़ा थिक लगे तो आप इस स्टेज पे थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। पानी थोड़ा संभल के डालिएगा क्योंकि ये मिक्सचर बहुत हॉट होता है और पानी डालने से स्प्लैश अप हो सकता है। अब कैंडी मिक्सचर रेडी हो चुका है, मगर इसको चेक करने का तरीका ये है कि आप थोड़े से ड्रॉप्स इसके लेके पानी में डालें और अगर आप इसको ईजिली निकाल सकते हैं पानी से तो ये रेडी है। फ्लेम को ऑफ कर दें और ऐड करें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वेनिला एसेंस। अब ये इंग्रेडिएंट कम्प्लीटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं है तो इट्स फाइन। अब एक टार्ट ट्रे को ग्रीस करें बटर से और बटर पेपर प्लेस करें। अगर आपके पास ये ट्रे अवेलेबल नहीं है तो आप कोई भी रेक्टेंगुलर वेसल में भी इसको पोर करके बना सकते हैं। बहुत जल्दी हार्ड होना शुरू हो जाएंगी तो मिक्सचर पोर करने के फौरन बाद ही आपको इसमें कट्स लगाने हैं अपनी मर्जी के शेप्स और साइजेस में, और ज्यादा डीप कट्स ना लगाएं, बारीक कट्स लगाएं। तो फौरन से इसीलिए कट करना है क्योंकि एक बार ये हार्ड हो गई, जम गई, तो फिर कट्स लगाना मुश्किल होगा।
तो अगर अभी से हम इसमें कट्स लगा लेते हैं तो हम बाद में आसानी से इसको हाथों से तोड़ सकेंगे। एक घंटे के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दें ताकि ये हार्ड हो जाए और फिर इसको रिमूव कर लें ट्रे में से। अब देखें कितने इजीली ये हाथों से ही टूट रही हैं। ज़रूरी नहीं है कि इसका शेप बिल्कुल परफेक्ट हो क्योंकि ऑब्वियसली ये होममेड कैंडीज हैं, बट ये टेस्ट में बहुत ही टेस्टी और क्रीमी थी। इनको बटर पेपर में रैप करें या फिर आप कलरफुल रैपर्स में भी इसको रैप कर सकते हैं। इनको एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करें ताकि आप बहुत दिनों तक इसको एंजॉय कर सकें। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो एंड आई विल सी यू गाइस विद द नेक्स्ट स्वीट ट्रीट टुमारो। अल्लाह हाफिज़।